Good morning students, welcome back. Yesterday we have started new lesson, lesson number 13, the animal wealth of India. कल हमने ये lesson start किया था, आज हम इसी को continue करेंगे. कल हमने इसमें livestock के बारे में पढ़ा था, livestock हम किसे कहते हैं. Then we have read different uses of different animals found in India, जो अलग अलग animals हैं हमारे देश में, वो किस किस use में आते हैं. अब इसी topic को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा वाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में भी लेसन में पढ़ने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था. मिल्क कैटल दैट इज द एनिमल्स प्रोवाइडिंग मिल्क हैव बीन गिवन स्पेशल केयर एंड अटेंशन इन आवर कंट्री. दिस हैज हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड दिस हैज लेड टू द वाइट रेवोल्यूशन. मिल्क कैटल यानी वो एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं, मिल्क देते हैं, तो वो एनिमल्स को स्पेशल केयर दी जाती है, उनको बहुत ही ध्यान से रखा जाता है, उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, उनको प्रॉपर फीडिंग दी जाती है और उनसे इन सारे मेज़र से मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. इन सारे मेज़र से उनकी प्रॉपर फीडिंग, वैक्सीनेशन, उनकी केयर, इस सब से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हमें सक्सेस मिली और इसी को वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं. लेट डॉक्टर वी जी कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन. इस वाइट रेवोल्यूशन के फादर जनक कहा जाता है वी जी कुरियन को, जिन्होंने उनके स्पेशल अटेंशन और केयर के बारे में बताया. सम इंसेक्ट्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल टू मैन. बीज गिव अस हनी. अब कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, जैसे बीज, मधुमक्खी जो होती है उससे हमें क्या मिलता है, शहद मिलता है, हनी मिलता है. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म आपने सुना होगा, रेशम का कीड़ा, उससे हमें सिल्क यानी रेशम मिलता है. विच इज़ यूज टू मेक द सिल्क क्लोथ. रेशम के कपड़े उसी सिल्क से बनते हैं. तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी सिल्क साड़ीज. सिल्क साड़ीज के लिए तमिलनाडु बहुत ही फेमस है, वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ीज मिलती हैं. इंडिया हैज़ अबाउट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स कैटल बट द क्वालिटी ऑफ कैटल इज पुअर. आवर कैटल इज वीक एंड अनहेल्दी. अब अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेरिजन करें तो हमारा वर्ल्ड में हमारे पास जो कैटल है, दैट मीन्स जो एनिमल्स हैं, वो वर्ल्ड के टोटल का 1/5 है. पांचवा हिस्सा जो एनिमल्स है वो हमारे कंट्री में है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. जो हमारे कैटल है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो वीक है और अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं है. एफर्ट्स आर बींग मेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड मिल्क कैटल. और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिल्क कैटल और जो दूसरे डोमेस्टिक एनिमल हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव की जा सके, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके. वेटरनरी डिस्पेंसरीज हैव बीन ओपन इन मेजर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज वेयर स्पेशल मेडिकल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर द एनिमल्स. क्या क्या स्टेप लिए हैं? सबसे पहले वेटरन डिस्पेंसरीज यानी जहाँ पे एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है, जहाँ उनको मेडिकल सर्विसेज दी जाती है. कोई भी एनिमल बीमार हो जाता है तो मेडिकल सर्विसेज उसे वेटरन डिस्पेंसरीज में दी जाती हैं. तो वो डिस्पेंसरीज बहुत सारे विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज में, अलग अलग जगहों पर ये खोले गए हैं. देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक स्पेशल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स. जो फार्मर्स एनिमल्स को पालते हैं उन फार्मर्स को भी स्पेशल असिस्टेंस, खास हेल्प दी जाती है कि वो अपने एनिमल्स का पूरा ध्यान रखें. बेटर क्वालिटी ऑफ फॉडर इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ मिल्क. और जो मिल्क कैटल है यानी जो दूध देने वाले हैं, उनका जो फॉडर है, उनका जो खाना है, चारा है, वो भी अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है, जिससे उनकी मिल्क देने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैज़ इंक्रीज कंसिडरेबली. और इन्हीं सब कारणों से जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है. तो ये मिल्क प्रोडक्शन का बहुत इंक्रीज होना, दैट हैज लेड टू द वाइट रेवोल्यूशन. और वाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? वी जी कुरियन. तो ये आपको ध्यान रखना है,
increase of milk production is white revolution, and V.G. Kurien is called the father of white revolution. Now, increase in fish production is being encouraged through a movement called the blue revolution. तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बाद अब हमें बताया जा रहा है ब्लू रेवोल्यूशन, वो क्या है? इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, फिशेस के, मछलियों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, मछलियों का बढ़ाना, वो एक मूवमेंट उसके लिए चलाई गई और उसी को कहा गया ब्लू रेवोल्यूशन. फिशेस कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल पर्पसेस इन आर्टिफिशियल पॉन्ड, दिस इज कॉल्ड पिसीकल्चर. बहुत सी बार कमर्शियल पर्पस से उनको बेचने के लिए फिशेस को आर्टिफिशियल पॉन्ड, तालाब बनाए जाते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे उनको पाला जाता है. और इस तरीके के आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के फिशेस को पालना कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार के लिए, उसे कहा जाता है पिसीकल्चर. अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिश इज़ फ्रोजन एंड ड्राइड फॉर एक्सपोर्ट. और इस तरह की जो बहुत सारी फिश जो ये होती है, इसको सूखा करके और फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. वाटर पोल्यूशन हैज़ अफेक्टेड फिश ब्रीडिंग एंड मेड फिश अनफिट फॉर ईटिंग. लेकिन आप सभी जानते हैं, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, आजकल वाटर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ये एक प्रॉब्लम है. और इससे, वाटर पोल्यूशन से फिशेस के ऊपर भी अफेक्ट आता है और वो भी खाने के लिए सही नहीं होती. जो फिश खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो फिशेस मिल रही हैं वो खाने के लिए फिट नहीं हैं. इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल टू अस. क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर एंड हो रहा है और एंड में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी एनिमल हो, उसकी केयर करना हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें करना चाहिए. उनकी तरफ हमें क्रुएलिटी, क्रूअल नहीं होना चाहिए, हमें उनके लिए भी काइंड होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और किसी भी कीमत पे उन्हें प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए. सो दिस वाज द लेसन नंबर 13. यहाँ पे हमारा लेसन 13 ख़त्म होता है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम बुक एक्सरसाइजेस ऑफ this lesson. Till then, goodbye.